सभी देवी एवं सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑन पेसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार को सुचारू रूप से एवं सफल रूप से हम सब लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए नीरज दलवी जी का, कौशिक पंड्या जी का, और इस महान अवसर को हम तक लाने के लिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ा धन्यवाद जसवंत सिंह जस्सी जी का, जिन्होंने ये अवसर हमें दिया, पूरे हिंदुस्तान को दिया, बल्कि हिंदुस्तान के द्वारा और भी कई देशों में ये अवसर उनके द्वारा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जस्सी जी। इसके अलावा मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं मुकुंद काबरा जी को, योगिनी जी को उनके विशेष योगदान के लिए, और राजीव सरना जी को उनका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद उनकी विशेष टिप्पणियां और जो मेहनत वो कर रहे हैं ऑन पेसिव के ऊपर उनके योगदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं ढिल्लन सर को, जिनके द्वारा जस्सी जी तक ये प्रोजेक्ट आया और फिर हम तक आया। इसके अलावा सबसे ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद है मिस्टर एस मुफरा सर का, जिन्होंने लोगों की जिंदगी को, भविष्य को चमकदार बनाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा किया जो अद्भुत है, असाधारण है, बेमिसाल है, अद्वितीय है और न भूतो न भविष्यति है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सारे फाउंडर्स को जो विशेष रूप से रोज यहां पे आते हैं इस वेबिनार के लिए और अपने साथ नया भविष्य वो उज्जवल बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आते हैं। तो जो एकदम नए लोग आए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको एक बार फिर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो आज के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर केडी शुक्ला जी को, उनको आमंत्रित करने से पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगा कि वो भूतपूर्व सीईओ रह चुके हैं प्रॉम्प्ट टाइम्स मैगजीन के, इसके अलावा सिक्स सेंस अकेडमी के वो फाउंडर सीईओ है जिसके अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स और ट्रेनर्स ट्रेनिंग्स जैसी ट्रेनिंग्स वो न केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे एक वो ऑथर भी है जिन्होंने एक बुक लिखी है एबीसी ऑफ एमएलएम, जिसके कारण एमएलएम को समझने में लोगों को काफी सहायता मिली। श्रीलंका में श्रीलंका सरकार एवं वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस के तत्वाधान में जो महा सेमिनार हुआ था उसमें डॉक्टर के डी शुक्ला जी को विशेष रूप से उन्होंने जो वेलनेस पे एमएलएम के जरिए जो काम किया था उसके लिए उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। एक बहुत अच्छे वक्ता है जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और आज के हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं, तो उनको आमंत्रित करता हूं मैं ऐसे ग्रेट लीडर को। और अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर के डी शुक्ला जी की। प्लीज वेलकम डॉक्टर के डी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच दीपम चावड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। हेलो, थैंक यू वेरी मच दीपम जी, थैंक यू वेरी मच दीपम जी, और मेरे साथी स्पीकर्स जितने भी हैं, को होस्ट सारे लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, और सोर्स बिहाइंड द फोर्स जैसा कि आपने बताया ढिल्लन सर को भी मैं प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करना, मतलब उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिन्होंने अपने व्यस्तम पलों से जो चुनिंदा पल अपने लिए चुनकर लाए हैं, मतलब उन्होंने ये संकल्प लिया है अपनी सफलता को लेकर के यहाँ पर आने का, उनके लिए भी उन्हें बधाई देता हूँ और उनका शानदार ढंग से मैं स्वागत करना चाहूंगा दिल की अनंत गहराइयों से। और जितने भी रेगुलर मेरे इस वेबिनार में सारे लोग जो आते रहे हैं शुरू से, जितने भी लीडर्स हैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, आज धनतेरस के एक दिन पहले का दिन है, कल से त्योहार चालू हो रहे हैं और लगातार त्योहार चालू होने वाले हैं भारत में। ये जो अक्टूबर के बाद दशहरा, दुर्गा और दशहरा के बाद फेस्टिवल
बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, जो 25 दिसंबर तक चलते रहते हैं और 25 दिसंबर को फिर खत्म होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बातचीत करके, लेकिन त्योहार और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है और पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है। सो जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा समय वो इस हफ्ते अपनी फैमिली को भी दें, अपनी सोसाइटी को भी, अपने समाज को भी दें। इसलिए हमारे कोर टीम ने, हमने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है, जैसा कि मैंने मंडे को भी बताया था कि हम लोग अब आज के बाद, ये हमारा इस अभी तक का, ये आज त्योहार के पहले का ये लास्ट प्रोग्राम है, वेबिनार है। इसके बाद हम लोग सीधा फ्राइडे को मिलेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को। इन केस कल थर्सडे है, थर्सडे को हमारा जो क्लोज ग्रुप का सेशन होता है रात को 2:30 बजे, उसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे उनको लेकर के हम लोग फिर से डिसीजन लेंगे। अगर वो बहुत ही उल्लेखनीय ढंग से कुछ बताने वाली चीजें होंगी डेफिनेटली, तो हम लोग उसका वेबिनार भी कर सकते हैं, या कौशिक सर और नीरज सर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फेसबुक लाइव होकर के सारी चीजों को आपको अपडेट कर देंगे। ये दोनों ऑप्शंस ओपन है माय डियर फ्रेंड्स, दोनों में से कोई एक आपके साथ हमेशा रहेगा, ये कोई ऑप्शन में। सो अपडेट आपको 100% मिलेंगे और उसी तरीके से मिलेंगे जैसे मिलते आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को त्योहार के पहले ही अग्रिम तौर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस हसीन त्योहार की, और मैं समझ सकता हूँ कि ये त्योहार बहुत ही एक्साइटेड रहा है आपके लिए, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा रहा है, बहुत सारी उमंगें थी, बहुत सारी तमन्नाएं हैं और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि अभी चीजें हमारी डेवलप ना होकर के अभी हम लोग सॉफ्ट लॉन्चिंग के उस तरह से उस दौर पे नहीं आ पाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं बैक एंड में जो चीजें चल रही हैं त्योहार के बाद, आपके पास जो बाकी की जितनी भी लाइफ है वो बहुत ही अद्भुत होने जा रही है, बहुत ही साधारण ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असाधारण तरक्की आपकी होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग चूंकि दिवाली का त्योहार है, लक्ष्मी जी का हम लोग पूजन उजन करते हैं, तो आज हम लोग थोड़ा पहले थोड़ा सा एक मिनट पैसों पर बात करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, काफी लोग इसे सुन चुके हैं और लगातार सुनते आ रहे हैं, और रिपीटेशन में ही बहुत बड़ी सफलता छुपी होती है। किसी भी चीज को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी दक्षता बढ़ती चली जा रही है, और जितनी ज्यादा बार हम अच्छे ढंग से करते हैं उतना और अच्छा करते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसा हम लोग जब पहले वेलनेस इंडस्ट्री में था, मैं जैसा दीपम ने बताया, तो उसमें एक बात कही जाती थी, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ वेलनेस इन टर्म्स ऑफ इलनेस। हम लोग हमेशा वेलनेस को बीमारी न होने के एंगल से देखते हैं, अगर शरीर में बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य को हम लोग इसी प्रकार देखते हैं ना कि अगर आप बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, और अगर आप स्वस्थ नहीं है इसका मतलब आप बीमार, इसी एंगल से हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मैं इसका थोड़ा सा कंपेरिजन अगर करूं अपने उसके साथ, हमारे पैसों के साथ, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अमीर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इट्स एक ये एक प्रकार का ना मानसिक अवस्था होती है माय डियर फ्रेंड्स, और ये मानसिक अवस्था आपको मैंने देखा पिछले 6 महीनों में, मई के महीनों से, जैसे मैंने अपने आप को जब 100% दिया ऑन पैसे को, तो जितने भी दोस्त मेरे हैं या जितनी मेरी टीम बढ़ती चली गई या बाकी की और भी टीम है जिनसे मेरी बातचीत होती रही है, उन लोगों के साथ मैंने देखा कि ये मैटर, ये वाला एंगल काम नहीं कर रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब हैं, और आपके पास पैसे अगर हैं तो आप अमीर हैं, ये बिल्कुल एंगल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने ये देखा कि जितने भी लोग फाउंडर बने हैं उन लोगों ने शार्पली अपने ड्रीम्स को बहुत हाई किया हुआ है, अपनी होप्स को बहुत बड़ा किया हुआ है, और इसी ड्रीम हैवी ड्रीम, बड़े ड्रीम और बड़ी होप्स के कारण उनका एनर्जी लेवल काफी बड़ा हुआ है, और यही कारण है कि वो जिंदगी को दूसरे एंगल से देख रहे हैं और अपने आप को इनबिल्ट रिच महसूस करते हुए पा रहे हैं। और सिर्फ पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि आप ऑन पैस्यू के फाउंडर हैं, और ये ऑन पैस्यू की एनर्जी है जो आपके अंदर फ्लो हो रही है, और उसकी वजह से आपके सोचने का तरीका टोटल बदल गया माय डियर फ्रेंड्स। जो लोग पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों से संबोधित करना चाहता हूँ उन लोगों को कि देखिए, होता यह है कि सबसे सफलता की जो परिभाषा होती है वो अलग अलग ढंग से होती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, बट हर कोई यहाँ पर एक एंगल बड़ा कॉमन है कि सबको यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं। पहला उद्देश्य, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ इसलिए मैं जरूरी कहूंगा कि हमेशा हम में से 99 नहीं बल्कि 100% लोगों का पहला उद्देश्य अपना ड्रीम फुलफिल करना मतलब पैसे कमाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो पैसे कमाने को लेकर के अभी तक जितने भी आसान रास्ते थे उन सब पे हमने प्रयास कर लिए हैं, और भी कई कई आसान रास्ते हैं जिन पर हम प्रयास कर सकते हैं,
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक जिस रास्ते की, जिस वेबिनार की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो एक वेबिनार एक ऐसा है जो एक फुल डिफाइन है और आपके लिए जनरेशन टू जनरेशन उस रास्ते को बनाकर रखेगा, आपके बाद, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ ऑन पैसिव ग्रो फाउंडर्स में, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सिंपल स्टाइल का मतलब, जो जिस तरह से हम लेते आ रहे हैं उसी तरीके से आज लेने का मूड नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल माहौल चालू हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इजी वे में बात करते हैं कि आज हमारा जो स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट, इन द सेंस हम लोग अगर जीतना चाहते हैं ऑन पैसिव में आकर, कोई भी अगर जीतना चाहता है तो उसे इन करना होगा खाली बस, और एक बार इन कर गया तो वो जीत जाएगा। तो टीम चैंपियंस इंडिया की तरफ से मैं आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए ये बताता हूँ कि आज हमारा जो परिवार का संख्या है वो लगभग आई थिंक, एक मिनट, मैं 27950, मतलब लगभग 280,000 का ये समुदाय पहुंच गया है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सिंपल से अगर बताऊं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिकॉज वी आर कैटमो। कैटमो 8 सेकंड के अंदर, जैसे हमारे एस आप कहते हैं कि 8 सेकंड के अंदर अगर आपको ऑन पैसिव बारे में बताना है तो कंप्लीट एक ही तरीके से है कि कैटमो, और कैटमो के कारण ही हम लोग आज इतने तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत तेजी से और आगे बढ़ने की हमारी प्रबल उम्मीदें जागृत हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। कैटमो के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैटमो मतलब CATMO, कैटमो मतलब होता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। सी स्टैंड करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। जब भी हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे, हमारा जो भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जितने भी जो मैंने सी की बात की है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, वहां से आपको क्लियर होगा। मतलब ऑनलाइन की दुनिया में अगर आपको कोई भी काम करना है या किसी भी प्रकार की बिजनेस में अपने आप को अजमाना है, तो उसके लिए जितने भी टूल्स चाहिए, उन सारे टूल्स के साथ हमने उन सारे प्रॉब्लम जितनी भी होने वाली है, जो आप स्ट्रगल करने वाले, उन सब का सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है। दूसरा ए मतलब ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि 100% ये ऑटोमेटेड है और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आप कहीं थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी वाइज कच्चे हैं या आप कम जानकारी है, तो भी आपको यहाँ पर सफल होने के 100% चांसेस है। दूसरी चीज है टी स्टैंड करता है ट्रैफिक को। हर एक बिजनेस में ट्रैफिक की आवश्यकता होती है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर कंपनी ने 100% जो सिस्टम बनाकर रखे हुए, उसकी वजह से आपको ट्रैफिक भी जनरेट होता है, और ये सारी तीनों चीजें जब आपके साथ सुचारू रूप से होती है, तो डेफिनेटली फिर एमओ मतलब मनी, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत तेज चलता रहेगा। लेकिन हम लोग के साथ गलती ये होती है सर, हम लोग हमेशा इसे ना दूसरे एंगल से देख लेते हैं और एक ही चीज पर हम लोग फोकस करते हैं, और वो है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब है कि कब लॉन्च होगा, हम लोग प्रोसेस में फोकस कम कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, ये कैटमो जो एक प्रकार का जो प्रोसेस जो हमने बताया, जो जिस तरह से प्रोसेस हो रही है वो सारी चीजों, उसमें एक 5 शब्दों में इसको हमने डिफाइन किया कैटमो के रूप में। और यहाँ पर आपको अपना एंगल जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें हम आते साथ ही अपनी चीजों को आगे रख देते हैं और ये सोचते हैं कि अब ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता रहा है तो ऐसा इसमें भी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, और ये MLM नहीं है, और ये ना ही ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या एफिलिएट सिस्टम या कोई पोंजी स्कीम, इस तरह कोई भी चीज नहीं है। इट्स ट्रूली बिजनेस, और ये 100% रिवोल्यूशनरी बिजनेस है और अपने आप में एक लाइफ स्टाइल है, और यही कारण है कि ये कंप्लीट ऑटोमेटेड और सारी चीजें जो कैटमो की जो मैंने बात की, उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी प्रकार के टूल्स बनाए गए हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं और सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जैसे ही आप इसमें कस्टमर बनते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और जो भी का मतलब जो प्रोडक्ट हमारा है उसको जैसे आप परचेस करते हैं, तो हमारे जब आप कस्टमर बनते हैं तो उसमें जितने भी टूल्स मिलते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, उनका आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खुद रन कर रहे हो, तो भी आप उसे कर सकते हैं और इसे यहाँ पर 100% सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बिजनेस में हो, आप इनमें सफलता पा सकते हैं इन सब चीजों के द्वारा, और ऐसी फ्रीडम, और चूंकि मैंने बताया कि किसी भी बिजनेस में हो और कोई भी हो और सबको ये टूल्स फायदा देने वाले हैं, तो एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं आप लोग या मैं मिलकर के, हम दोनों मिलकर लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की हो, चाहे वेलनेस इंडस्ट्री की हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर्स की हो, चाहे वो MLM की हो,
या जो भी डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं, ये सारे सेक्टर्स की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या सारी कंपनियां देर सवेर ऑन पैसिफिक के प्रोडक्ट्स को यूज करने वाली है। आप कितनी बड़े प्रोडक्ट, हम एमएलएम कंपनियों की बात करें, आप कोई भी नाम ले लें, आई होप कि देर सवेर आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ऑन पैसिफिक के प्रोडक्ट्स या ऑन पैसिफिक के बैनर के साथ सारी कंपनियां खड़ी मिलेंगी आपको। और यही कारण है कि जितनी, ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई अति संयुक्ति है इसमें, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे टूल्स में वो ताकत है जिसकी वजह से, और ताकत इन द सेंस हमने वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जिसकी दरकार है लोगों को, सबको चाहत है कि बेस्ट सोल्यूशन हमें मिले, और जो भी जिसको भी बेस्ट सोल्यूशन मिलता है वो वहां चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और यही कारण है कि हम ये सब चीजों इन फीचर्स को देख करके हमारे बारे में जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो प्रेडिक्शन बहुत बड़ा है। जो भी 40-40 सालों से जो कोच इंडस्ट्री में ऑनलाइन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे स्थापित कोच ऑन पैसो के बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले समय में यूनिकॉर्न एक ऐसी ऑन पैसो एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नए लोग आए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न बन जाने का कितना बड़ा अर्थ होता है। यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप पहली बार कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप जब कंपनी लॉन्च करता है, अपने आप को लॉन्च करता है, तो पहले 10 सालों में ही या 10 सालों से कम समय में अपनी वैल्यू को अगर $1 बिलियन कर लेता है तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $1 बिलियन को अगर भारतीय मुद्रा में मैं समझाऊं तो अगर $1 को मैं राउंड फिगर 80 रुपए पकड़ूं तो ये 8000 करोड़ की वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी वैल्यू को अगर कोई हासिल करता है तो कंपनी लॉन्ग टर्म विजन और कमिटेड डेडिकेटेड बहुत सारी चीजें होती है, वही कंपनी ये सब कर पाती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हजारों लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स रोज पैदा होते हैं और उसमें से मात्र 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब अगर मैं गिनती की बात करूं तो लगभग 370 कंपनियां ही ऐसी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिकॉर्न बन पाई है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं सुपर यूनिकॉर्न की। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो स्टार्टअप होती है जो पहले 10 सालों में अपनी वैल्यू को $100 बिलियन क्रिएट कर लेती है। $100 बिलियन को भारतीय मुद्रा में कहेंगे तो 8 लाख करोड़, तो 8 लाख करोड़ को हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। मेरी याददाश्त में या मेरे नॉलेज में ऐसी कोई कंपनी मुझे दिखाई नहीं देती है जो पहले 10 सालों में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी हो। लेकिन अभी रिसेंटली फेसबुक एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा देते हैं। हमारे जितने भी प्रेडिक्शन हमारे बारे में हुए हैं प्रेडिक्शन यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़कर ये कहते हैं कि ऑन पैसो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी स्टार्टअप है जो पहले 10 सालों में, पहले लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में ऐसा कह सकते हैं, लॉन्च होने के साथ ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और कुछ ही सालों के अंदर, मतलब कपल ऑफ इयर्स के अंदर ये कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। मतलब 8 लाख करोड़ के टर्नओवर की ये कंपनी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। 8 लाख करोड़ की टर्नओवर की अगर कंपनी या वैल्यू की कंपनी अगर बनती है तो उसके फाउंडर अगर आप हैं, उसके संस्थापक सदस्य अगर आप हैं, तो आपका भविष्य क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि एक बार आपको फिर से वेलकम किया जाए और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं भविष्य की होने वाली 8 लाख करोड़ की वैल्यू की कंपनी ऑन पैसो में। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं हमारे बारे में, ये जानना बहुत जरूरी है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होगा तो ऐसा लगेगा कि ये सब बातें हवा में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उन लोगों ने जिन्होंने प्रेडिक्शन किया है उन्होंने बताया भी है, आगे की मैं बात करता हूं कि ऑन पैसो क्यों यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी लॉन्च होते ही और क्यों सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी। क्योंकि ऑन पैसो एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, ऑन पैसो एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में क्या इतना बड़ा पावर होता है कि अगर वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है तो क्या इतना बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट कर लेगी? क्या इसके पहले भी ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं? क्या इसके पहले भी कोई डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन ऐसा था जिसमें बहुत ड्रामेटिकल चेंजेस आए हैं अमाउंट्स को लेकर के, अचीवर्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, कंज्यूमर्स को लेकर के? यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जब जब डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन हुआ है तब तब ऐसे ही ड्रामेटिकल परिवर्तन आए हैं और लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। ऑन पैसो के प्रोडक्ट्स क्या है, ऑन पैसो के प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्यों है, फाउंडर क्या होता है, फाउंडर कैसे बना जाता है, फाउंडर बनने से क्या फायदा होता है, और अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं इन फ्यूचर तो एफिलिएट अपॉर्चुनिटी से हमें क्या मिल सकता है, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इतनी बड़ी कंपनी के अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारी कंपनी की वैल्यूज के बारे में। जितने भी सोसाइटल, मेडिकल और मोस्ट कॉर्पोरेट घराने हैं या मॉडल्स हैं वो हमेशा ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं और ओल्ड साइंस का प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। मतलब एक गलाकाट प्रतियोगिता का वो हिस्सा होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, हाउ कैन आई बेनिफिट
मेरा कैसे फायदा होगा, मैं कैसे बड़ा बनूंगा, या मेरा टर्नओवर कैसे ज्यादा होगा, ऐसा मैं वाले थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसलिए वहां पर कंज्यूमर तो आते हैं बट उन कंज्यूमर का कभी कोई भला आज तक नहीं हुआ, और अगर उनका भला नहीं हुआ है तो इतिहास गवाह है कि वो कंज्यूमर भी उनके प्रति भी लॉयल कभी रहे नहीं है। मैं अगर ऑन पैस्यू की बात करूं तो ऑन पैस्यू न्यू साइंस पर बिलीव करता है, और न्यू साइंस का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। सो ऑन पैस्यू इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के सहयोग के लिए और एक दूसरे के फायदे के लिए ऑन पैस्यू का प्रिंसिपल काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारा जो होस्ट का पैनल यहाँ पर आज बैठा हुआ है या रोज बैठता है, इनका अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो आपस में कोई खास संबंध नहीं, हम लोग एक ही नाव में सवार हैं, एक ही जहाज में सवार हैं, एक ही समुद्र में, ठीक है, बट दोनों के ब्रांचेस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बिना किसी इंटेंशन के हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हार्ड कोर इंटेंशन क्रिएट करके एक सार्वभौमिक तरीके से काम करते हैं ताकि सबका फायदा हो, और सबके फायदे में हम सबका एक, चूंकि मॉडल ऐसा है हमारा, एक के फायदे में दूसरे का फायदा घुसा हुआ है, दूसरे के फायदे में तीसरे का, इस तरह से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का और म्यूचुअल बेनिफिट का प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑन पैस्यू इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है, और ये एक आईटी कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, और इसके लिए उन्होंने जो प्रोडक्ट्स या टूल्स जो भी बनाए हुए हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेटेस्ट क्वालिटी के है, और इनको बनाने वाले उच्च शिखर के एम्प्लॉइज को हायर किया गया है। इसमें एवरेज एम्प्लॉई है सारे के सारे, मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सारे एम्प्लॉई बहुत अच्छी कैपेसिटी के हैं, और हस्त की बात तो ये है कि सारे के सारे इंडियंस हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब ऑन पैस्यू यहाँ पर इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था बहुत कम लोग थे, तभी इंडिया में ऑन पैस्यू का बेंगलोर में ऑफिस ओपन हुआ था, उसके बाद दूसरा ऑफिस हाईटेक सिटी हैदराबाद में हुआ, और हाईटेक सिटी हैदराबाद में ही तीसरा ऑफिस अभी ओपन हुआ है जो लगभग लगभग बहुत बड़ी एरिया में है, बड़ी एरिया का इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि 5 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, और लगभग लगभग जैसा सीन देखा जाता है कि आई थिंक 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट का उसका एक फ्लोर है, तो 5 फ्लोर की अगर हम बात करें तो आई होप कि 80-90 हजार से 1 लाख स्क्वायर फीट के बीच का ऑफिस है। तो वेरी बिग, और ग्राउंड फ्लोर पे 150 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम है शानदार। इस तरह से हमने वहां पर कुछ ये हमने इसको ना प्रोप्राइटरी किया हुआ है एक तरह की, वहां में कोई डिस्टर्बेंस ना हो ताकि हम तीनों शिफ्ट में काम कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन, वो कंटिन्यू कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करने के पीछे हमारा एक ही लॉजिक था, क्योंकि हम जो भी टूल्स बना रहे हैं या जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सारे के सारे हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, और हमारे इसके लिए हमने कुछ भी आउटसोर्स नहीं किया है, सब कुछ इनहाउस है। तो यहाँ ये सारा सेटअप और ये सारी चीजें भी इनहाउस हो गई है, और उसकी इवन लीगल सेक्शन से लेके सब कुछ हमारा इनहाउस है, कुछ भी हमने आउटसोर्स नहीं किया हुआ है। और इसी के साथ हम लोग जब ये बात करते हैं तो हम लोग अपना हार्ड कोर जो पर्पस है ऑन पैसिव का, एक आत्मिक संदेश जिसे कह सकते हैं सोल जो है, वो यही है कि हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम लोगों का फायदा कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई फाउंडर्स आए या सेकेंडरी फाउंडर आए या कोई भी कंज्यूमर्स हो या कोई भी एफिलिएट हो, अगर वो ऑन पैस्यू में आया है तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। सो मैं आगे जब भी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाऊंगा और प्रोडक्ट्स पर जब बात करूंगा, इन सारी चीजों पर बात करूंगा, तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि वाकई ये जो कहा गया है वो सही में एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी महान सोच के पीछे जो शख्स है उनका नाम है मिस्टर एस मुफारा सर। मिस्टर एस मुफारा ऑन पैस्यू के फाउंडर सीईओ हैं, और इनको 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इसके पहले इन्होंने कभी भी अपनी कोई भी कंपनी रन नहीं की है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अब 7 दिन के बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे, तो इस बात को बहुत जोर से कहना चाहूंगा, थोड़ा जोर देकर कहना चाहूंगा, इसके पहले इन्होंने कभी कोई कंपनी रन नहीं की है। हालांकि इसके पहले इन्होंने कई कंपनियों में काम किया है और बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत अच्छा कैश फ्लो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और जब जब उन्होंने जिस कंपनी में काम किया, तो बीइंग ए लीडर उन्होंने अपने सपोर्ट सिस्टम को खुद डिजाइन किया है और कंपनी को दिया है, अपनी टीम को दिया हुआ है। इस वजह से एक समय ऐसा आता है कि जब लीडर बहुत अच्छा काम करता है तो कंपनी उस लीडर के नाम से जानी जाने लगती है। तो लोगों को कंफ्यूजन कभी कभी ये हो जाती है कि ये एस की कंपनी थी या उसकी एस की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आए माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने जब से क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये ऐसा नहीं था। सो मैं आपको बताऊं सर, ऑन पैस्यू एस की पहली कंपनी है, और ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लॉन्च की है क्योंकि इसके पहले जितनी भी कंपनियों में उन्होंने काम किया वहां पर कहीं तो भी जाकर ट्रस्टवर्दी एनवायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता था और सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाता था। और इसकी वजह से लोगों के अंदर एक मिथ, एक धारणाएं ऐसी बनने लगी थी
कि जो पहले आता है वही जीतता है इस इंडस्ट्री में, या जो टॉप पे बैठता है वही जीतता है, या जिसके बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल होते हैं, या जिसको लीड जनरेट करना आता है, तो हर कोई इसमें नहीं जीत सकता है। इस बात को उन्होंने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने ऑन पैसिव की स्थापना की, और यहाँ पर उन्होंने इन सब चीजों को सोल्यूशन प्रोवाइड किया और एक स्लोगन दिया, वी आर इन इट टू विन इट। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार यहाँ पर इन करेंगे डेफिनेटली आप यहाँ पर जीतने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाउंडर हैं या सेकेंडरी फाउंडर हैं, या आज जुड़े हैं 2018 में जुड़े हैं, 2019 में जुड़े हैं, या 2021 में जुड़ेंगे जाकर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म के साथ उन्होंने ऑन पैसिव की शुरुआत लगभग 2017 एंड में 2018 स्टार्टिंग में की। हमारे जैसे ही फैमिली मैन है, वाइफ है, दो बच्चे हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन के काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं, वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप और पता ऐसी कई कंपनियों, बड़ी बड़ी टॉप मॉडल्स के साथ, ग्रेट मॉडल के साथ उन्होंने रिसर्च किया है और उस मॉडल पर काम किया हुआ है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एक शानदार अनुभवी व्यक्ति के हाथ में ऑन पैसिव का भविष्य है, और ऑन पैसिव के साथ हमारा भविष्य भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। सो मैं अब आता हूँ स्लाइड पर जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक जिसकी वजह से हमारे बारे में इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्या होता है सर, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनको खास तरह से संबोधित करना चाहता हूँ, उनको ध्यान से सुनेंगे। ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्रिएट्स न्यू मार्केट एंड रीशेप एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब ये है कि जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, डिस्ट्रप्टिव को हिंदी में खोजने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि गूगल में अगर आप डिस्ट्रप्टिव का मतलब खोजने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है विध्वंसकारी। विध्वंसकारी का यहाँ सीधा सीधा संबंध यह है कि जितने भी मार्केट में या जो भी हम जहां से हम सोल्यूशन कलेक्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहे हैं उनके जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं उनका विध्वंस करके, उनको खत्म करके नए सोल्यूशन जब प्रोवाइड किए जाते हैं तो मार्केट को एक नई दिशा मिलती है, एक नया कंज्यूमर वर्ग खड़ा होता है जो तादाद में बहुत बड़ा होता है, और वो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसके बदले में उसे पुरानी चीजों के बदले में उसे नई टेक्नोलॉजी मिली है, और चूंकि नई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी हमेशा जो हिट, जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई है वो इसीलिए हिट होती है क्योंकि वो नई है, दूसरा थोड़ा सा तो मैं आसानी से यूज कर सकता हूं तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इसीलिए वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ओवरनाइट छा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देने की बात, अगर मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि वॉलमार्ट की अगर मैं बात करूं, तो वॉलमार्ट एक ऐसा रिटेल की दुनिया का एक डॉन है, ऐसा कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको बीट करना मतलब थोड़ा सा सपना बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन एक डोमेन नेम, एक छोटा सा डोमेन नेम, बहुत ही अपने आप को ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट होकर सुनिएगा इस बात को, छोटा सा डोमेन नेम जिसका नाम था amazon.com, उसने धीरे से शुरुआत की और धीरे 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 इस स्टार्टअप को खत्म कर दिया और उससे बड़ी कंपनी बन गई। क्यों बनी बड़ी कंपनी? क्योंकि लोगों को सोल्यूशन मिला, लोगों को घर बैठ करके सारी चीजों को देखने का मौका मिला, न सिर्फ एक चीज, दो चीज, दस चीज, बीस चीज, सौ चीज, 150 चीज, मतलब कोई भी हेजिटेशन नहीं है। दुकान में अगर आपके अंदर जाते हैं तो आपको हेजिटेशन भी आता है कि यार कहीं सेल्समैन बुरा ना मान जाए, ऐसा कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आप जिस एंगल से देखना चाहें, बड़ा करके छोटा, छह छह सात सात एंगल्स आपको देखने मिलते हैं, रिव्यू देखने को मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप पैसे देने की जरूरत नहीं, सीओडी बेसिस पे मिलता है, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम से, और उसके बाद अगर आपको नहीं जमा है तो आप उसे वापस कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, बंदा घर से आता है, कलेक्ट कर जाता है। ये आरामदेह चीजें जब लोगों को मिलती है सोल्यूशन के तौर पर तो ओवरनाइट मार्केट शिफ्ट होता है, और यही amazon.com के साथ हुआ। लेकिन अब मैं बात करता हूँ हमारे फाउंडर का रिलेशन ऑन पैसिव से और amazon का उनके वेंडर से। जो amazon के वेंडर्स थे, जो अमेजन ने कहा उनको कि जो हम जो उनके वेंडर थे उनसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाली आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए, मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, मैं आपको ग्राहक लाके दूंगा, मैं आपकी जेब में पैसे डालूंगा। और यही हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेंडर्स हैं वो खाली माल देते हैं, ना वो ग्राहक जानते हैं कहाँ से आते हैं और कहाँ माल जाते हैं ये भी नहीं मालूम, खाली पैसे कमा रहे हैं। ऑन पैसिव भी एक ऐसा ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, और आसानी से यूज करने की जगह मैं बात करूं तो ये 100% ऑटोमेटेड और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है काफी तेजी से फेमस होने वाली है, और उसके बारे में प्रेडिक्शन ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में कपल ऑफ ईयर्स में ऑन पैसिव में 3.5 से 4.5 बिलियन लोग आने वाले हैं। राइट, सो ऑन पैसिव इज टेकिंग डिस्ट्रप्शन टू ए होल न्यू लेवल।
टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको ऐसी कोई, इसके पहले भी कोई ऐसी क्रांति हुई थी, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन हुआ था, इससे मार्केट बदला था, डेफिनेटली मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एक प्रकार का डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, वर्चुअल रियलिटी भी, 3D प्रिंटिंग भी, मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन चूंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, 2010, 2008, 2009, मतलब 10, 11, 12 साल पहले की बात है, जब एक अनजान से शख्स ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ब्लॉकचेन पेमेंट्स गेटवे को लेकर एक नया सॉल्यूशन मिला, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सारी चीजें होने लगी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसे, सिक्योर्ड भी थी और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी थी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐसी चीजें हुई जो अनबिलीवेबल ढंग से चीजें आगे बढ़ी और लोगों ने बहुत पैसे कमाए उसमें, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा पैसे कमाए, और आने वाले समय में बैंकिंग इंडस्ट्री से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने इन्हें एक्सेप्ट किया। सो ब्लॉकचेन जब इजाद हो रही थी और आज के फिगर को अगर हम देख लेते हैं तो इन 10-11 सालों में ब्लॉकचेन में अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री का धंधा हुआ, और जिसमें सिंपल से अगर मैं BTC की बात करता हूँ, बिटकॉइन की अगर बात करता हूँ, तो बिटकॉइन से स्टार्ट हुई थी कहानी ब्लॉकचेन की। आज $272 बिलियन से ऊपर का नेटवर्क ऐसा उनके ट्रांजेक्शन में, जो कॉइन पेमेंट्स वगैरह में अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हैं, मतलब एक बहुत ही यूज, और इसमें जितने भी लोग शामिल हुए उन्होंने न सिर्फ अपनी लाइफ को बदला बल्कि कई लोग अल्ट्रा रिच हुए और कई लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। सो ये भी एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि जब मानव की कृत्रिम बुद्धि जब मशीनों को दी जाती है और वो मशीनें जब मानव जैसा व्यवहार करती है और 100% एक्यूरेसी के साथ करती है और साथ में स्वविवेक की भी क्षमता रखती है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपक्रम कहते हैं। उसके लिए जो भी करना होता है, डिजाइनिंग से लेकर के डेटा देना या जो बीच की जो गणित होती है, वो मैं IT का बंदा नहीं हूँ तो मैं उतना अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट इन सब थॉट को लेकर जो भी उपक्रम ऐसा बनाया जाता है जो 100% ऑटोमेटेड हो और 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी का हो, तो उसे हम AI बेस्ड उपक्रम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सबसे अगर शानदार एग्जांपल की अगर बात करूं तो दुनिया में AI के बारे में, अगर आज मैं बात कर रहा हूं तो AI के बारे में लोग पहले से नहीं जानते थे ऐसा नहीं है, बल्कि पहले से लोग यूज कर रहे हैं AI को। ऑलरेडी अब AI अपने इंडस्ट्रियल रूप में आ रहा है और बहुत बड़े रूप में आ रहा है, और आने वाले समय में जैसे ब्लॉकचेन ने कुछ एक सेक्टर्स को टच किया है, जैसे बैंकिंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, लेकिन AI दुनिया के हर सेक्टर्स को और समाज के हर तबके को छूने वाला है और इसमें लगभग 70-80% लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, मैं एक एक चीजों की अगर बात करूँ, जैसे YouTube में अगर रात में आपने किशोर कुमार को देखा और किशोर कुमार को देख करके सुन करके सो गए, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपके पास कम से कम 5-6 ऑप्शंस किशोर के वहां दिखते हैं, क्योंकि AI को पता चल गया कि आपको ये पसंद है, उसने और सारी चीजें दे दी आपको। उसी तरीके से जैसे मैं कल भी सेमिनार लेने बाहर गया, मैं एड्रेस सर्च करना होता है तो पहले हम लोग उन लोगों से पूछा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब हम लोग सीधा गूगल मैप पे जाते हैं, सारी चीजें हमें एक्यूरेसी के साथ मिलती है, क्योंकि पहले लोग अंदाजा बताया करते थे, यहाँ तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बात होती है कि नेक्स्ट 300 मीटर पैसा, नेक्स्ट 400 मीटर पैसा, ये सारी चीजें। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटेस्ट और बहुत ही बड़ा एग्जांपल की अगर बात करूँ तो ड्राइवरलेस कार, मतलब चीजें इस ढंग से एग्जीक्यूट हो रही है कि 100% ऑटोमेटेड और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ जा रही है। अब यार ड्राइवरलेस कार या गूगल की जो ड्राइवरलेस गाड़ियां वगैरह जो आ रही है, वो सारे पे आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपको खाली बैठना है और वो ऑटोमेटिक रन होने वाली है। सो AI भी कुछ इसी तरीके की चीज है जो आने वाले समय में 70-80% लोगों को टच करने वाली है, और यही कारण है कि जब दुनिया AI पे बात कर रही है, शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, उसी समय पे ऑन पैसिव जैसी ऑर्गेनाइजेशन 2017 से AI पे अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाई है, और इतने प्रोडक्ट्स की लगभग 6-7 प्रोडक्ट ऑलरेडी अल्फा टेस्टिंग होकर के बीटा टेस्टिंग के तौर पे हैं, बाकी के 30 प्रोडक्ट्स हमारे फाइनल कंडीशन पे हैं और बाकी के और प्रोडक्ट पाइपलाइन में, मतलब लगभग 50 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट डन है। और ये प्रोडक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप में एक कंपनी है और $1 बिलियन की कंपनी है, $1 बिलियन कैप की कंपनी है, और ये सब कंपनियों के आप पार्ट है कहीं ना कहीं, तो भी क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पोजिशन आने वाले समय में क्या होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो AI बेस्ड जो हमने जो टूल्स डेवलप किए हैं मैं उनकी बात करता हूँ फटाफट। जैसे कि ऑटो रिस्पॉन्डर है, बल्क ईमेलर्स है, कॉन्टेक्ट मैनेजर है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो लिवरेज है, डेली कंपेनिंग्स है, डेली फनल है, सोशल प्लेटफॉर्म है, रोटेटर्स है, ये नॉर्मल रोटेटर्स नहीं बल्कि ये जितने भी टूल्स से बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे AI बेस्ड टूल्स हैं।
ये 14 या 15 कुछ दिख रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा तादाद में है ये। तो इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे जब हम कस्टमर बनने की बात करेंगे, उस समय इसको कोरिलेट करेंगे। नाउ मैं अब बात करता हूँ अपने इकोसिस्टम की। हमारा जो इकोसिस्टम है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि हमने कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात कर लें, चाहे वेबसाइट बिल्डिंग की बात कर लें, चाहे हम वीपीएन सर्विसेज की बात करें, डोमेन नेम की बात करें, मास मार्केटिंग कैंपेनिंग्स की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डेली फनल, जितना भी है, कहने का मतलब वो सारे हमारे इकोसिस्टम में सारे टूल्स हमने बना कर रखे हुए हैं। उसके अलावा हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं, और इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं जिसके बारे में मैं हमेशा जब भी बताता हूं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हमेशा आ जाता हूं बताते समय, और ज्यादा मैं इसलिए एक्साइट नहीं होता हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं या ये छा जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, मैं इसलिए एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये तो हमारा एक बहुत अच्छी बात है, फीचर है। मैं एक्साइटेड इसलिए होता हूं कि इसके साथ जो भी जुड़ेगा, इस प्रोडक्ट को जो भी यूज करेगा, उसकी लाइफ बन जाने वाली है। इनडायरेक्टली यूजर्स जितने भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और यही मैंने शुरू में बताया था कि हमारा ऑन प्रेसिव का बेसिक थॉट यही है कि हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स। तो यहाँ पर जितने भी लोग, जैसे आज फेसबुक आप यूज कर रहे हैं या गूगल आप यूज कर रहे हैं, तो यूज करने की वजह से आप उसे क्लिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, गूगल पैसा कमा रहा है, फेसबुक पैसा कमा रहा है, एंड व्हाट अबाउट यू? तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, या बहुत ज्यादा क्या मतलब नॉलेज के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, या खुशी मिल रही है, बस इन सब चीजों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ऑन पैस्यू के प्लेटफॉर्म में जितने भी प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी कहीं भी यूज करेगा, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा बल्कि एक अर्नर भी बनेगा आगे चलकर। कैसे ये पॉसिबल है, इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले मैं अपने प्रोडक्ट्स पर बात करूं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओ कनेक्ट, फिर हमारा एक प्रोडक्ट है ओ नेट, उसके बाद ओ वैलेट, ओ माई लाइफ, उसके बाद फिर ओ मेल, ओ अकेडमी, तो सब में ओ ओ ओ ओ ओ आ रहा है। तो बड़ा अंदर मतलब एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि यार ये ओ क्या बला है, हर बार हर जगह ओ लगा हुआ है। सो ऑन पैस्यू का ओ हो सकता है, ऑरलैंडो का ओ हो सकता है, लेकिन मैं जो बताऊं आपको, जो मेरी दिल की जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि जब प्रोडक्ट आप पहली बार देखोगे ना, तो आपके मुंह से ओ माई गॉड ऐसा निकलने वाला है हर प्रोडक्ट में। ओ नेट को जब देखोगे तो ओ माई गॉड ऐसा निकलने वाला है हर बार, इसलिए ये ओ 100% फिट होता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स पर। सो ऑन पैसिव कनेक्ट मी मतलब कम्युनिकेशन क्षेत्र का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कनेक्ट नाम है उसका, और वो कनेक्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस दिन वो लॉन्च होगा उसकी धमक से पूरी दुनिया में एक नया अवेयरनेस जाने वाली है, एक नया सोल्यूशन मिलने वाला है लोगों को। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे चीजें कैसे घटित हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए। और जब मैंने कहा कि दुनिया का हर बड़ा MLM, हर बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और हर बड़ी कंपनी ऑन पैस्यू के प्रोडक्ट को यूज करेगी या ऑन पैस्यू के प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा था माय डियर फ्रेंड्स, और ना ही कोई फेकोलॉजी वाली बात की थी। अब आप इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि जैसे मैं जूम पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो जूम पर अगर मैं जैसे दोपहर में अपने पर्सनल कॉल करता हूँ या किसी टीम से बात करता हूँ, तो जूम की कुछ बहुत अच्छी चीज है, जूम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डेली अपडेट कर रहा है अपने आप को, लगातार अपडेट कर रहा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैंने काफी घर में बैठ करके बहुत अच्छा काम किया, वर्क फ्रॉम होम में काफी सपोर्ट किया उसने। लेकिन मैंने कुछ दिक्कतें महसूस की तो मैंने सोचा आपको शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर मैं 100 से ज्यादा लोगों की मीटिंग लेना चाहूँ तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता नहीं है कुछ भी वहाँ पर, और अगर मैं 100 से कम लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे 40 मिनट से ज्यादा की परमिशन मिलती नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ कुछ भी नहीं है। इनकेस अगर 100 से ज्यादा लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, मीटिंग में कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, तो मुझे पैसे पे करने होते हैं, फिर 250 पे अलग पैसे करने होते हैं, 500 पे और करने होते हैं, 1000 पे, जैसे आज हम लोग 1000 के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो नेचुरल है कि हमें यहाँ पर और ज्यादा बहुत पैसे पे करने होते हैं और हर महीने पे करने होते हैं। 1000 के ऊपर अगर मैं 10,000 तक की कैपेसिटी की बात करूं तो लाखों रुपए हर महीने पे करने होते हैं। फीचर क्या है आपके सामने है, जो भी आप फीचर यूज कर रहे हैं वो सब आपके सामने है, जितने भी यूज करने लायक है वो सब आप कर रहे हैं। लेकिन जब 10,000 के ऊपर अगर बात करते हैं, 20,000-25,000 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशंस आ जाती है और यहाँ पर फिर आए बाएं दाएं होने लगते हैं सारे फीचर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ऑन पैस्यू कनेक्ट मी के बारे में बताऊं। ऑन पैस्यू कनेक्ट मी, आज जैसे मान लो मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं खुशी से पैसे नहीं दे रहा हूँ, मेरी दिक्कत है इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगर मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली मैं वहां चला जाऊंगा,
बगैर सोचे बगैर समझे चला जाऊंगा, सोचने की तो कोई बात ही नहीं उठती है। और अगर मैं चला जाऊंगा तो 100% मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल तो मार्केट के लोग हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। सो ऑन पैसिव कनेक्ट मैंने एक ऐसा सोल्यूशन दिया कि भाई हम एक ऐसा कम्युनिकेशन ऐप है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी प्रकार की कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 10,000 तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टाइम की कोई सीमा नहीं है। 10,000 तक फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब समझते हैं सर? 10,000 का मतलब है कि 100% ऑल ओवर द वर्ल्ड सॉल्यूशन मिल गया। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, 10,000 इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार भी जो मीटिंग्स अगर ले रहे हैं कॉर्नर से जो भी एजेंसी भी है, तो उनको सॉल्यूशन मिल गया। अब जैसे मैं किसी की बात कर लूं, एमवे की बात कर लूं, हर्बल लाइफ की बात कर लूं, यूनो ऑरलैंडो गोल्ड की बात कर लूं, मेडिकेयर की बात कर लूं, वेस्टीज की बात कर लूं, माय लाइफ स्टाइल की बात कर लूं, मोदी घर की, आप बोलो उन सारी बड़ी कंपनी की बात करूं, वो लोग पैसे दे रहे हैं सर कहीं ना कहीं, लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे डेफिनेटली वो यहाँ पर आने वाले हैं। और अगर वो लोग आएंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग भी आएंगे, बैंकिंग सेक्टर्स के लोग भी आएंगे, एजुकेशन सेक्टर्स के भी लोग आएंगे, पूरी दुनिया आज छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे सब ऑनलाइन एजुकेशन ले रही है, तो उनको अगर सोल्यूशन मिलेगा तो वो सब आएंगे। और यही कारण है कि प्रेडिक्शन हमारे बारे में जो किया जा रहा है कि ऑन पैसिव में 3.5 से 4.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं, ये एक प्रोडक्ट की झलक से ही समझ में आ रहा है। ऐसे हमारे पास 50 प्रोडक्ट है। नाउ बात यहाँ पर ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जैसा मैंने पहले बताया, अब बात आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर बनेगा। जैसे कि मैं अगर कौशिक को ये कहता हूँ कि कौशिक आज मैं जूम पे नहीं, वो कनेक्ट पे शाम को मीटिंग लेने वाला हूँ, तो आप प्लीज वो कनेक्ट पर आइए, तो जो फर्स्ट टाइम कौशिक जब वो कनेक्ट पर आएगा तो वो सबसे पहले अपने आप को यू नो वहां पे साइन अप करेगा, अपना ईमेल आईडी देगा, नाम देगा, मोबाइल नंबर देगा। इसको ना हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में डेटा कहते हैं, डेटा पूरा पैसा यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो जैसे वो यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, और जैसे यूज करते हैं उसके बाद एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है, और जैसे ही अपने मेल को वेरीफाई करते हैं तो हमारे यूजर बन जाते हैं, और कंपनी उनको एक वीक का डेमो भेजती है अपने सारी चीजों का, और उसके साथ जितने भी लोग ऑलरेडी जो आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब का भी यही सेम सिस्टम होता है, और वो कहीं ना कहीं कौशिक के स्ट्रक्चर्स में या कहीं भी जाकर के वो प्लेस भी होते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही वो लोग उसको यूज करते हैं या क्लिक करते हैं या उनके नीचे लोग आते हैं, तो उनको डॉलर्स बनने चालू होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। और जैसे ही कंपनी मेल लॉन्च होगी और आप सब लोगों को डेमो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे होगा, राइट? तो जैसे ही होगा उसके डॉलर्स बनने चालू होंगे, तो इमीडिएट फिर एक मैसेज ये भी आता है कि डॉलर्स को आप विड्रॉल कर सकते हैं अगर आप हमारे कस्टमर बन जाते हैं। तो अगर आप कस्टमर बन जाते हैं का मतलब हमारा जो पहला पैकेज है उस पैकेज में जो कि $100 से $250 के बीच का है, या अभी डिसाइड नहीं हुआ है कितने का होगा वो पैकेज, इसे लेकर आप कस्टमर बनते हैं तो आपको जितना भी हमारा इंटायर इकोसिस्टम है वो सब आपको मिलता है, और आपको जितने भी टूल्स हैं वो भी मिलते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स के जो जो पेड जो वर्जन्स हैं वो सारे आपको मिलते हैं, जैसा कि अभी तक हमें क्लियर है। बाकी बहुत सारी चीजें आफ्टर लॉन्चिंग क्लियर होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अभी जैसे आप अपने पैकेज बने, कस्टमर बने हैं, तो सबसे पहले आपको आपका डोमेन नेम मिलेगा, आपको उस पर लिक्विड होस्टिंग होगी, आपको यू नो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे सिक्योरिटीज के, प्लस आपके लिए वहां पर कंपनी ईच एंड एवरी डे हर दिन एक नया वेब पेज डिजाइन करके देगी, और जितने भी टूल्स मैंने शुरू में बताए थे वो सारे के सारे टूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ये अब सब चीजें आपको इसे मिल जाती हैं। नाउ ये जब आप कस्टमर बनते हैं तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के पे स्ट्रक्चर्स में होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्लेसिंग होती है। सो माय डियर फ्रेंड, जहां भी प्लेसिंग होगी उसके ऊपर फाउंडर्स ही होगा हमेशा। तो ये जितने भी लोग आने वाले हैं लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, वो सारे के सारे आप जैसे फाउंडर्स के ही पे स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कंपनी कहती है वी आर इन इट टू विन इट, मतलब आप नहीं भी काम करते हैं तो भी आप यहाँ जीतने वाले हैं, तो एक लॉजिक आप ऐसा समझ सकते हैं। नाउ ऐसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट में जब भी कोई इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, बाय डिफॉल्ट वो फाउंडर्स के पे स्ट्रक्चर्स में आएगा ही आएगा, चाहे वो नेट में जाए। ओ नेट हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और हम लोग ओ माई लाइफ की अगर बात करते हैं तो का हमारा इंसाइक्लोपीडिया या सर्च इंजन या हमारे मेमोरी से जुड़ा हुआ है। ओ जो वैलेट्स हैं, हम जितने भी फिएट करेंसी से लेकर क्रिप्टो करेंसी वगैरह में डील करते हैं, वी कैन हम ट्रेडिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं आने वाले समय में। इवन एक ही सोल्यूशन से, एक ही सोर्स से सारे सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, इसलिए हम बहुत सारे सोल्यूशन पे जा रहे हैं इस वैलेट्स पर,
been बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य के आप पेट में हैं, जो धीरे धीरे आपको समझ में आने वाली है। नाउ मैं अगली बात अगर ये करता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है ओ अकेडमी, अकेडमी हमारा एक ओ अकेडमी, उसको ओ अकेडमी को हम लोग ऐसे पढ़ते ओ अकेडमी, तो अकेडमी जो है हमारा वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो समसामयिक जो भी अभी एजुकेशन चल रही है उनके जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको फिनिश करता है और वहां भी एक नया सोल्यूशन देता है। जो बच्चा जो बनना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, खाली वही पढ़े, अननेसरी आठवीं तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है या ये पढ़ना अनिवार्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ऐसी एजुकेशन जो फ्रॉम द डे वन उसे क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उस तरह की एजुकेशन है। तो ये कैसे होगी, किस तरह के इसके पैटर्न्स होंगे, वो आपको लॉन्च के बाद बहुत जल्दी पता चलने वाले हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमने कुछ कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं जैसे सीएमएस के नाम से, जैसा अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉई मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इसमें सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉई सीएमएस बोलते हैं इसे, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉई मैनेजमेंट सॉल्यूशन का मतलब एम्प्लॉइज से जैसे एम्प्लॉइज की अटेंडेंस हो गई या एम्प्लॉइज के कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है या अकाउंट्स की प्रॉब्लम है या प्रोडक्टिविटी की बात है या उस सब चीजों को मिलाकर जो उनका पेरोल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स। और जितने भी इस तरह के अभी तक सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं ट्रेडिशनल मार्केट में उनकी जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको खत्म करके नया ये एआई बेस्ड सोल्यूशन दिया गया है। आने वाले समय में हर बिजनेस की ये पहली पसंद होगा क्योंकि 2 employee से लेकर 20,000 employee तक किसी भी संख्या तक ये काम कर सकता है और आने वाले समय में एचआर का ये भविष्य है माय डियर फ्रेंड्स। सो ऐसे 50 प्रोडक्ट हमारे हैं जो अपने आप में सारे के सारे वो प्रोडक्ट $1 billion कैप के प्रोडक्ट है और सारे के सारे में पार्टिसिपेशन जितने भी लोग उसको यूज करने वाले हैं कंज्यूम करने वाले हैं वो सारे के सारे लोग बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं आपके पे स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं। सो और चूंकि हम लोगों को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन, इसको मैं अभी जब पे स्ट्रक्चर्स में आएंगे तब बात करेंगे क्योंकि बहुत ही रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू कंपनसेशन प्लान है जिसमें कंपनी सिंपली ये कहती है कि कोई जरूरत नहीं कुछ भी रिक्रूट करने की या कोई भी लीड को कन्वर्ट करने की, सब कुछ आपके लिए करके रखा गया है माय डियर फ्रेंड्स। और ऑन पैसिव एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, न सिर्फ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्लोबली ज्वाइनिंग्स आ रही है ऐसा नहीं है, ग्लोबली प्रेजेंस रख रही है ये कंपनी हर जगह के, उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज को कम्प्लीट किया हुआ है और हर तरह के हर जगह पेमेंट्स गेटवेज पर भी इन्होंने अपना वर्क पूरा करके रखा हुआ है। जैसे मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में जब भी आप ज्वाइन करते हैं फाउंडरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो जब आप पेमेंट्स 9086 पे करते हैं तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं वहां पर जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यू नो एपीआई सिस्टम, यूपीआई सिस्टम या आपका यू नो क्रिप्टो करेंसी से लेकर हर तरह के सोल्यूशन वहां पर अवेलेबल है। मतलब इस सब चीजों के लिए कोई ना कोई टेक्निक चाहिए रहती है, कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है, वो सारी उन्होंने करके रखी होती है। और अपने बिजनेस को चूंकि आईटी इंडस्ट्री है तो अपने बिजनेस को बहुत ही स्मूथली रन करने के लिए उन्होंने 15 प्रकार के लाइसेंस और भी अलग तरीके के लिए हुए हैं जिसमें 2-3 तो आपके सामने आ चुके हैं, जीएसटी और पैन कार्ड वगैरह सारी चीजें। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल के लीज एग्रीमेंट पर हमारा एक ऑफिस अगर हैदराबाद में खुला हुआ है और 9 साल के लिए मतलब हमने एक तरह से ऑफिस ऑन कर लिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस तरह की फॉर्मेलिटीज, इस तरह की एक्टिविटी हर जगह होने वाली है और आने वाले समय में जब लॉन्च होगी कंपनी तो हमारे 10 नए ऑफिस और खुलने वाले हैं और ये हर कंट्री में ऐसे खुलने वाले हैं। सो ग्लोबली प्रेजेंस रखने वाली ये कंपनी है और इसमें जब आप काम करते हैं खाली अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाएं, मोबाइल पर चलाएं तो आप अपनी टीम भी ग्लोबली बना सकते हैं। और 9,086 रुपए अगर आप देकर फाउंडर बने हैं, भले किसी ने भी जबरदस्ती किया हो आपसे या आपने ये सोच कर दे दिया हो चलो यार कल से फॉलोअप तो नहीं करेगा, कम से कम रोज रोज घर आ जाता है ये तो नहीं आएगा, या आपने इच्छा से किया हो, इंटेंसली किया हो, कैसे भी अगर आप फाउंडर आज बन गए हैं तो अनजाने में आपने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया है जो आने वाले समय में आपके लेगेसी गोल का काम, लेगेसी गोल को बनाने वाला है और आपके रहने या नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे से आगे और आगे और आगे आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है। और अगर 9086 में ये बिजनेस आपको मिलता है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि 100% ये अफोर्डेबल बिजनेस है। और अगर आपको ये लगता है अफोर्डेबल है तो आप जिससे भी आप शेयर करेंगे उसके लिए भी ये बिजनेस बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन। जैसे ही आप कस्टमर बनते हैं तो उन टूल्स के लिए यू हैव टू पे ईच एंड एवरी मंथ, वही अमाउंट आपको बार बार हर महीने पे करना होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बार अपने पॉकेट से पे करना है, दोबारा आपको अपने पॉकेट से पे नहीं करना है। ये सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन है,
दोबारा यकीन मानिए आपको पॉकेट से पे करने की आवश्यकता नहीं। कैसे होगा अभी एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं उसमें आता हूँ अपने पेमेंट्स अपने जो पे प्लान पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि अगर बार बार आप पे कर रहे हैं तो आपकी टीम भी बार बार पे कर रही है, और बार बार अगर पे करेगी तो बार बार आपको इंसेंटिव जनरेट होने वाले हैं। और ईच एंड एवरी टाइम एक ही बार आपने काम किया है लेकिन उसका बार बार अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, इसे रेसिडुअल इनकम कहते हैं। मतलब ऑन पैसिव एक ट्रू सोर्स है रेसिडुअल इनकम का, और इस सब चीज के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। 100% ये ऑटोमेटेड होता है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी होती है, और इतनी स्मूथ है, इतनी आसान, इतनी सरल है, इसमें से कुछ भी कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली। एक भी व्यक्ति अगर आपके नीचे कहीं भी आता है कैसे भी, बाय डिफॉल्ट आप बुलाते हैं, कंपनी देती है, कुछ भी होता है, उन सब चीजों से कहीं से भी एक भी व्यक्ति अगर आपके नीचे आता है, इमीडिएटली जैसे ही वो आता है रियल टाइम क्लोजिंग होती है, रियल टाइम पे आउट आते हैं, रियल टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। दिन में 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो विड्रॉल चार्जेस, कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कोई कैपिंग नहीं, क्योंकि मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। पिछले 18 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैंने कई बार बड़ी बड़ी टीमें बनाई हैं, और शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब टीम बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन पे आउट ठहर जाता है, इसे कैपिंग कहते हैं, तो उसके बाद फिर चीजें बिगड़ने लगती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, फिर हमारा ध्यान सिर्फ उतने पे ही फोकस रहता है क्योंकि हम ज्यादा काम करके, मतलब उस बात मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये बिल्कुल कैपिंग नहीं है यहाँ पर, और ये अनलिमिटेड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये MLM नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सॉरी आपकी इनकम ऐसे से बढ़ती चली जाएगी। नाउ अब आप फाउंडर जब बनते हैं तो आपको एक, जैसे आप फाउंडर बने तो सबसे पहली चीज आपकी तुरंत ये समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ना फाउंडर ही फाउंडर को क्रिएट कर सकता है, फाउंडर ही फाउंडर को क्रिएट कर सकता है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं मार सकते क्योंकि सीधा पेमेंट पे जा जाता है। मतलब यहाँ फाउंडर बनने के बाद ही आप फाउंडर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले हम लोग MLM में क्या करते हैं कि पहले अपना स्ट्रक्चर लगाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे लगाना है अप्लाई से पूछते हैं। खैर, फाउंडर यहाँ पर फाउंडर बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं तो आपको एक शानदार बैक ऑफिस मिलता है, और उस बैक ऑफिस में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें आपको हमेशा एक वेबिनार सेक्शन होता है जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार्स एस मुफारा सर हमारे CEO के साथ मिलता है, जो सिर्फ फाउंडर्स लोगों के लिए ही होता है। और बहुत ही गर्व से मैं आपको बताऊं कि आप कंपनी के इनर सर्कल के पार्ट है, आपको इतना शानदार प्रिविलेज मिला हुआ है जहां पर डिसीजन मेकिंग में आप अपना वैल्यूएबल योगदान दे सकते हैं अपनी वोटिंग के द्वारा। आप बीटा टेस्टर हैं, आपके बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब भी पब्लिक, इसको ऐसे आप समझिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट पब्लिक पे जाएगा उसके पहले वो आपके पास आएगा, और यू हैव टू, आपको पहले चेक करना होगा। और सबसे बड़ी बात, बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो मासिव कंपनी का मिलने वाला है। आज जो भी आपने $97 दिए हैं, मतलब टैक्स के साथ अगर बात करूं तो 9,086 रुपए जो आपने दिए हैं वो आपने फाउंडर्स बनने के लिए नहीं दिए हैं। फाउंडर तो आपको बाय डिफॉल्ट बनना ही है और बन गए आप, लेकिन ये जो $97 आपने दिए हुए हैं वो साल भर की कंपेनिंग के चार्जेस है, साल भर की कंपेनिंग के चार्जेस है। इसका मतलब समझिए, आपने कंपनी से कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ मी आप मेरे लिए कंपेनिंग करो मार्केट में, और जितने भी लोग जुड़ते हैं उसके द्वारा उनको आप मेरे नीचे लगाइए, और उसके बदले जो भी इंसेंटिव बनता है मेरी जेब में डालिए। तो कंपनी बोलती है ओके डन, और ये यही ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आपके लिए कंपनी कंपेनिंग करने वाली है और आपके ही जो नीचे वो लगने वाले हैं, और आपसे जो भी इंसेंटिव जनरेट होने वाला है वो आपको पॉकेट में मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिर्फ फाउंडर्स को ही बेनिफिट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है बैक ऑफिस में, मैं फटाफट बताना चाहूंगा, कम्युनिटी होती है जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, ड्रीम्स हम शेयर कर सकते हैं, चाहते शेयर कर सकते हैं, और लाइक एनर्जी, अटैक लाइक एनर्जी, जैसा कि हम बात करते हैं तो समान विचारधारा वाले लोग जब उठते बैठते हैं तो वो विचारधारा पनपती है और तरक्की जल्दी होती है माय डियर फ्रेंड्स। और इनबॉक्स जैसे टूल्स है वहां पर जो अपनी टीम के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉलेज का भंडार है वो, हंड्रेड्स ऑफ डाउनलोड्स और मटेरियल्स वहां पर कई कई भाषाओं में पड़े हुए हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं और आप चैंपियन बन सकते हैं, फाउंडर में आप फाउंडर भी चैंपियन बन सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, $97 आपने दिया, वन टाइम पेमेंट दिया, आप फाउंडर बन गए। उसके बाद आप जो कंपेनिंग के जो $97 जो मैंने कहा साल भर के लिए आपने कंपेनिंग के लिए दिया हुआ है, वो कंपेनिंग का पहला दिन आपका चालू होता है, जिस दिन कंपनी मेन लॉन्च होगी वो आपका पहला दिन होगा, वहां से एक साल काउंट किया जाएगा। नाउ ये बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई आपको, लेकिन एक थोड़ी सी निराश, मतलब ये ऐसा कह सकता हूँ जैसे थोड़ा सा जो आज जुड़ने वाला है या कल जुड़ा उसको थोड़ा सा
बुरा लग सकता है कि भाई ये जो चीजें हैं ना, आप ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। $97 से फाउंडर अब बहुत ज्यादा दिनों तक आप नहीं बना सकते हैं, और जैसे ही आई थिंक त्योहार वगैरह खत्म होने के बाद कंपनी कभी भी घोषणा कर सकती है, उसके बाद आप फाउंडर तो बन सकते हैं, लेकिन दो चीजों का बदलाव आ जाएगा। पहला बदलाव ये आ जाएगा कि $97 से जो आप फाउंडर बनने वाले थे, अब वो $149 प्लस टैक्सेस से बनने वाले हैं। हाँ, ये भी आपको सिंगल टाइम ही देना है, और इसमें भी आपको वो सारे फायदे मिलेंगे जो मैंने बताया है आपको, ठीक है। लेकिन आपकी प्लेसिंग हमेशा उन $97 के फाउंडर्स के नीचे ही होने वाली है। मतलब कंपनी के टॉप 1% में फाउंडर्स रहेंगे, लेकिन उन टॉप 1% के फाउंडर्स के ऊपर प्राइमरी फाउंडर्स के नीचे ही आप लोग रहने वाले हैं। सो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, जितने ज्यादा लोगों तक आप जा सकते हैं, और अपनी पोजीशन जो आज रात पहली बार सुन रहे हैं, वो जिसने भी ये वेबिनार का लिंक दिया उससे बात करें और आज रात में ही फाउंडर बनने का संकल्प लें और अपनी पोजीशन को सिक्योर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन आगे चल के आपको समझ में आने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप $149 स्टार्ट होगा, आप $149 से जब एंट्री करते हैं या कोई आता है, तो यहाँ पर आपको बोनस मिलने वाला है। बोनस को बहुत ज्यादा फोकस होकर मत सुनना, क्योंकि बोनस सिर्फ बोनस होता है और दिवाली दशहरा जैसे मिलता है बस उसी तरीके का है। जब तक सॉफ्ट लॉन्चिंग चलेगी तब तक बोनस मिलेगा, उसके बाद ये बोनस खत्म हो जाएगा, और जैसे ही मेल लॉन्चिंग होगी तो एक्चुअल जो हमारा पे प्लान है जो ऐसा अनाउंस करेंगे उसी हिसाब से काम होना है। तो ये बोनस कैसे मिलेगा, जैसे आप $149 से किसी भी बंदे को फाउंडर बनाते हैं और वो $149 देकर के जब वो आता है, और अगर आपका डायरेक्ट है तो उससे आप उसे डायरेक्ट आए तो उससे आपको $20 मिलने वाले हैं। उसके बाद वो जितने भी लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा उससे आपको 15 लेवल तक डीप डाउन आपको $2 मिलते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप जितने भी लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे सब पर आपको इसी तरीके का बोनस मिलेगा। और कंपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग के दौरान 50 लाख से ज्यादा लोगों पे कंपेनिंग करने जा रही है, और इसमें से जितने भी लोग आने वाले हैं कंपनी के द्वारा उनसे भी आपको, जो अगर डायरेक्ट कंपनी आपको देती है तो $20 मिलेंगे, और इनडायरेक्ट अगर 15 लेवल तक है कोई भी तो उससे $2 मिलने वाले हैं। क्योंकि कंपनी कंपेनिंग करने जा रही है, आपने जो पैसे कंपनी के दिए हुए हैं उसकी तारीख तो लॉन्चिंग के पहले दिन से शुरू होने वाली है, तो अभी जो लॉन्च कंपनी कर रही है वो सिर्फ अपनी तरफ से कर रही है, और इसमें जो ज्यादा जिसने ज्यादा काम किया है, जिसने ज्यादा टीम बनाई है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसकी कम टीम है उसको कम मिलेगा, जिसको नई टीम है उसको नहीं भी मिल सकता है या मिल भी सकता है, सब यू नो मैटर ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। बट जिस हिसाब से सुफारा साहब का यू नो कन्वर्जन रेट के बारे में बातचीत की जाती है, और ये कहा जाता है कि सर का कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग आने की संभावना दिखाई दे रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ही होने वाला है जो भी होने वाला है। और उसके बाद हम ढोल तमाशे के साथ जबरदस्त सारी मीडिया में जाकर के हम लॉन्च करने वाले हैं, और लॉन्च करने के पहले इस सारा का सारा स्ट्रक्चर gofounder.net का पुट करके onpassive.com पे चला जाएगा, और onpassive.com में जैसे स्ट्रक्चर जाएगा तो इन सारे लोगों को आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। देन फर्स्ट टाइम आप रियलाइज करेंगे, यहाँ अब मेरा ये पेआउट इतना बनने वाला है, ये पेआउट इतना बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रक्चर गो फाउंडर में वहां जाएगा तो आपका जैसा स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे दिख रहा है वैसा नहीं होगा, वो 3x3 के होल्ड मैट्रिक्स में चला जाएगा। मतलब अगर आपके 6 डायरेक्ट हैं तो पहले लेवल पे 3 ही रहने वाले हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट नीचे आने वाले हैं। जिसके 23 डायरेक्ट हैं उसके नीचे ऐसे ही पहले 3, उसके बाद फिर 3x27 ऐसे आने वाले हैं। जैसे मेरी अपने जस्सी भाई हैं 550 लगभग होने जा रहे हैं उनके डायरेक्ट, तो पहले लेवल पे 3 ही आने हैं, फिर 9, इस तरह से आगे बढ़नी है चीजों को। तो पता चला कि मैं उनका डायरेक्ट हूँ तो मेरे एफर्ट के पहले ही 327 उन्हीं की तरफ से मेरा हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सबके साथ होना है। डिलन सर ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर केन रोसो सर बैठे हुए हैं, तो एक मासिव स्पील आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और उसके बाद ये प्लेसिंग हो जाएगी और उसमें आपको दिखेगा कि किसका कितना पे आउट पड़ रहा है। नाउ द एक डेट आएगी लॉन्चिंग की, उसमें ही आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपको अपना पैकेज लेकर के अपने आप को कस्टमर बनना है। जैसे ही आप कस्टमर बनते हैं चीजें आपके साथ होनी चालू जाती है, घटित होनी चालू जाती है, और पहली चीज आपके सामने आती है 3N Free। 3N Free का सीधा सीधा मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया है या नहीं किया है, आप जैसे एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव का मतलब आप कस्टमर बन जाते हैं, जैसे आप कंपनी को पैसे दे देते हैं कस्टमर बनने के, वो कुछ भी हो सकता है $100 या जो भी व्हाटएवर इट इज, वो जैसे देते हैं और आपके नीचे से 3 लोग आते हैं, कैसे भी आए, आप लाए या आपकी टीम के हो या ओवरफ्लो के द्वारा आए या कंपनी के द्वारा आए या यू नो क्रेडिट स्कोर के द्वारा आए, जैसे भी आए वैसे ही आप फ्री हो जाते हैं।
फ्री एंड फ्री का मतलब तीन आए और आप फ्री हो गए अगले महीने आपको, फिर वो पैसे दोबारा जो देने की बार बार बात आई थी वो आपका कहानी खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए आप फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ आपको गेन करना है और सिर्फ गेन करना है। अब मैंने आपको ये बताया कि थ्री एंड फ्री में अगर ये थ्री एंड थ्री में ही अगर आप फ्री हो रहे हैं तो यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं। अब जितने भी लोग सेट हो चुके हैं उस स्ट्रक्चर में, मेरी बात को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, जितने भी लोग वहां सेट हो चुके हैं फ्रॉम द डे वन, क्या ये लोग चुप बैठेंगे? ये लोग भी तो नए लोगों को लाएंगे, नए लोग लाएंगे तो कहाँ जाने वाले हैं? जगह तो फिलअप हो चुकी है, अंडरस्टूड है कि वो इस ओवरफ्लो के तौर पर नीचे जाने वाले हैं। मतलब ये ओवरफ्लो स्पिल ओवर जिसे कहते हैं ये लाइफ टाइम आना है आपके लिए, पहला। दूसरा, कंपनी कंपेनिंग साल भर करेगी आपके लिए, साल भर कंपेनिंग से कुछ ना कुछ 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 लोग आने वाले हैं, साल भर आपको वो नीचे ही जाएंगे क्योंकि अगर जगह फिलअप होगी तो वहां थोड़ी रहेंगे, एक ऊपर एक तो रहने वाला नहीं है, अंडरस्टूड नीचे जाएंगे तो अगेन आपको ये चीज होने वाली है। प्लस बैकएंड में कुछ ऐसा एल्गोरिथम सेट किया गया है कि जैसे आपके टोटल डीप डाउन लेवल पे कहीं भी 110-125 कुछ लोग होते हैं तो आपकी तीन आईडी स्प्लिट हो जाएंगी और तीन आईडी स्प्लिट होकर के आपकी केडी 1 केडी 2 केडी 3 इस तरह से सेट होंगी और वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के नीचे जाने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, सो अंडरस्टूड है कि इस तरह का मासिव एक्शन हमेशा लाइफ टाइम होता रहेगा, फिर हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट के द्वारा करोड़ों लोग ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। प्लस आपको मैं बताऊं कि ऑन पैसिव एक जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं फाउंडर हैं, एक्चुअली वो फाउंडर अपने नाम, जैसे मैं हूँ, दीपम है या और भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं हमारे साथ के लोग हैं, ये एक्चुअली इनकी आइडेंटिटी क्या है पता है? इनकी आइडेंटिटी है www.soandso.com, एक डोमेन नेम है ये। सो ऑन पैसिव एंटायर ऑन पैसिव क्या है? लाखों करोड़ों वेबसाइट का एक समूह है जिसपे बहुत जबरदस्त ढंग से बहुत कुछ होने जा रहा है, ट्रैफिक से लेकर एफिलिएट से लेकर सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स, जिनका आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है जिसका अंदाजा अभी आप और हम लोग मिलकर नहीं लगा सकते। जैसे जैसे पत्ते ओपन होते चले जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को यहाँ पर लकी समझ रहे हैं और अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि यार मेरी लाइफ यहाँ पर सेट हो गई है तो आप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप यही बोलकर चुप बैठ गए हैं तो फिर आप सेल्फिश हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि हमारे सारे स्पीकर्स बिना किसी इंटेंशन के रोज अपना सब कुछ देते हैं, हमारे बाकी के लोग भी और भी हैं वो भी देते हैं, उस तरह से आपकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोग कोरोना काल में डैमेज हुए हैं उन डैमेज को कम कर सकते हैं हम लोग, जिनकी नौकरी चली गई है वहां तक हम जाकर के उनसे बात कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कहीं भी ये लगता है कि हाँ यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी फेल नहीं होने वाला, सारे के सारे पास होंगे, सब सफल होंगे, तो फिर वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? मेरे ख्याल में वो कोई भी चीज नहीं, वो कम्फर्ट जोन है, उसको ब्रेक करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाइए। जितने लोगों तक आप जाएंगे, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में बहुत भला चाहते हैं, उन सब लोगों तक आप जाइए। मेरा दावा है कि आपको अभी पैसे तो नहीं मिलेंगे उनके आने से, लेकिन खुशी जो मिलने वाली है और उसके बाद जो रूप आने वाला है लॉन्चिंग के बाद, उसमें आप फिर अकेले सफल नहीं होंगे, आपके पास कारवा होगा सफल व्यक्तियों का, और जब सफल व्यक्तियों का और कारवा होगा, करोड़पतियों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो थिंकिंग भी करोड़पतियों वाली आएगी और करोड़पतियों से बात करते करते आप कब अरबपति बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला है। सो आपको एक कम्युनिटी भी डेवलप करनी है माय डियर फ्रेंड्स, और जरूरतमंदों की मदद भी करनी है, और सिर्फ शेयरिंग करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कन्विंस कराइए या जबरदस्ती करिए या सेल्स कॉल करिए, डोंट डू, जस्ट शेयर करिए आप। और एक लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि नहीं यार ये मेरा सबसे खास है, इसकी तरक्की तो होनी चाहिए, उसको आप कान पकड़ के लिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, राइट? क्योंकि चीजें जल्दी समझ में आती नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सबको साल साल बाद दो साल हो गए इसलिए इतनी बातें करते हैं, बट ये तय है कि अब हम उस मुकाम पे बैठे जहां पर आपको पेशेंस की जरूरत नहीं है, अब पेशेंस की भी जरूरत नहीं क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ आपके सामने आने वाला है। सो जब तक फॉर्मेलिटी करेंगे और कुछ प्लानिंग करेंगे, अपनी ड्रीम्स देखना शुरू करेंगे, तब तक वो सॉफ्ट लॉन्चिंग के मोड में आ जाएंगे। बहुत ही आसान अवस्था में हम लोग इस समय है, बहुत ही लकी अवस्था में है हम लोग, यहाँ पर स्ट्रगल जिसने करना था कर लिया है, आप लोग खाली उस अवस्था में अब आ चुके हैं कि आज रात में अगर आप फाउंडर बनते हैं तो आने वाला महीना आपका हो सकता है और आने वाला दूसरा महीना तो बहुत जबरदस्त हो सकता है। और मैं अगर आने वाली दिवाली की बात करूं तो वो तो अद्भुत है, अकल्पनीय है, जैसा कि ये वर्ड यूज करते हैं दीपम भाई, बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो ऐसे ही अकल्पनीय संसार में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है, आपके सुखद भविष्य की मैं 100% शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब लोग
इस दिवाली दशहरे को बहुत ही सेफ ढंग से मनाए, सॉरी दशहरा बोल रहा हूँ मैं, दिवाली को और गोवर्धन जितने भी हमारे त्योहार हैं उन सबको बहुत सेफ ढंग से मनाए। और एक थोड़ा सा मैं आपको प्रिकॉशन दे रहा हूँ, जो आज ही मैंने पढ़ा है क्या नाम अपना फेसबुक वगैरह में, कि बच्चों को बार बार सैनिटाइज करके पटाखे फोड़ने ना भेजें, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है, ज्वलनशीलता ज्यादा होती है उसकी। सो बिल्कुल सेफ होकर के काम करें और सुखी ढंग से त्योहार मनाएं, क्योंकि और साथ में ये ना भूलें कि आपकी अगली दिवाली कैसी होगी। जेहन में इस थॉट को हमेशा रखिए और जिनसे मिलिए हैप्पी दिवाली बोलते समय ऑन फेसबुक जरूर शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और हम लोग मिलेंगे अगले शुक्रवार को। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू दीपम छावड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी शुक्ला जी, और आपने जो आज समझाया, जो आपका जो आज प्रस्तुतिकरण था उससे मैं भी गदगद हो गया एकदम। इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण मैंने आपसे, तो आपका रोज ही अच्छा होता है, लेकिन आज ये दिवाली के पहले का आखिरी प्रस्तुतिकरण आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से और पूरे दिल से दिया, जैसी हमेशा देते हैं, लेकिन आज इसमें विशेष मुझे मजा आया। और यहाँ नए लोग आए हैं, जितने भी नए लोग आए हैं यहाँ पे, जो पहली बार आए हैं, उनसे उनसे मैं मुखातिब होता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, कि भाई आप लोगों को, मुझे विश्वास है कि केडी सर ने जितने अच्छे से बताया आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बिल्कुल करिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है, तो आप अपने जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उससे बात कीजिए, समझिए, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर करिए, क्योंकि ऐसी दुनिया में कई चीजें जो हमें समझ में नहीं आती हैं लेकिन वो होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आया है, क्योंकि वैसे भी कई चीज ऐसी हमने किए हैं जो हमें समझ में आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जहाँ थे वही हैं। मुझे कई लोगों के कॉल आते हैं कि सर हमने 10 लोगों को बताया तो 3 से 4 लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छा है, 2 लोगों ने कर भी लिया, 2 लोग अभी सोच रहे हैं, लेकिन 6 लोगों ने हमें बताया कि तुम पागल हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन आता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, जब वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, जब रिवॉल्यूशन आता है, जो रिवॉल्यूशन लाता है उसे लोग पहले पागल ही बोलते हैं। तो अगर आपको पागल बोला गया है और जिसको पागल बोलते हैं लोग, बाद में पूरी दुनिया उसी का अनुसरण करती है, तो आप इससे डिमोटिवेट मत होइए, इससे मोटिवेट होइए अगर कोई आपको पागल बोलता है तो। यस दीपम जी, यस सर। और इसके साथ ही मैं अब ये जो मैं कौशिक पंड्या जी को आमंत्रित करता हूँ और ये उनको हैंडओवर करता हूँ कि आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे महान व्यक्ति का आज हियरिंग होने वाला है, कौशिक भाई बताएंगे, जिसके बारे में आपको कौशिक भाई बताएंगे, और वो व्यक्ति का शेयरिंग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑन पेसिव क्या है। तो प्लीज कौशिक भाई। थैंक यू सो मच दीपम जी, एंड अगेन मैं दोबारा कहना चाहूंगा दीपम जी के बाद डॉक्टर केडी शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके सबके आभारी है हम आपके, कि आपने आज भी बहुत शानदार तरीके से ऑन पैसिव की जर्नी, ऑन पैसिव का एक्सपीरियंस और ऑन पैसिव क्या है इसकी अहमियत दर्शाई है अपनी मीठी वाणी से। एंड मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि जो भी साथी हमें सुन रहे हैं, भाई बहन सुन रहे हैं हमें इस माध्यम से, यूट्यूब या ये जूम के माध्यम से, जो नए आए हैं वो डेफिनेटली समझ चुके होंगे कि ये हमें किस लेवल तक ले जाने वाले, हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य कितना उज्ज्वल होने वाला है हम सबके फैमिली का। तो जरूर जो लोग भी नए हैं प्लीज जरा इसको दोबारा सुने अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो, और आपने अगर फाउंडर बन चुके हैं तो प्लीज आप भी अपने किसी भी परिवारजनों को, जिसको आप चाहते हैं, जिनका भला चाहते हैं, उनको ये जरूर से जरूर बिना बोले तुरंत उनको ये चीज शेयर करें, उनको समझाए। डेफिनेटली ये उनके और आप सबके, हम सबके आने वाले बेहतर कल के लिए है। अभी आते हैं मेन चीज पे, आज हमारे साथ एक शेयरिंग, हम पिछले 2 दिन से शेयरिंग कर रहे हैं, जो लोग परसों ने किया था उत्तम जी का, कल ने किया था दिनेश जी का, और आज हमारे साथ है विजय गिरी जी, मैं उनको अनम्यूट करता हूं और उनको स्टेज पे इनवाइट करता हूं। इसके पहले मैं जरा आप उनका दो, उनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। पहली बात तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये मेरी टीम से हैं विजय जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक हमारे एक नायाब हीरे हैं,
जो कहीं नीचे दबके बैठे बैठे आराम से दूसरे लोगों के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे, आराम से बैठे 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 ये जिनके रेफरेंस से आए थे उनसे उतना संपर्क नहीं है मेरा जितना इनसे हो चुका है। हम रेगुलर बातें करते रहते हैं और ये वो साथी है दूसरे और साथियों की तरह कि जो रेगुलरली डेली आते हैं हमारे वेबिनार को अटेंड करते हैं। वेबिनार में अटेंड करने के साथ साथ जब से YouTube लाइव कर रहे हैं पिछले एक महीने से तो डेली YouTube लाइव पे आते हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको बाखूबी प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टेड तरीके से आंसर देते हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही मैं क्या कहूंगा, एक बहुत ही नेक पर्सन है, दान पुण्य का भी काफी अच्छा काम करते हैं, तो ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। विजय जी आइए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। रियल योद्धा है ये विजय जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद सर, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। सभी मैं सभी अपने ओन पैसिव टीम चैंपियंस को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बड़े मंच में मुझे बुलाया और मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला आप सभी से बात करने के लिए। और लगभग पूरे देश के लोग जो हमारे ओन पैसिव में गो फाउंडर बन चुके हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस मंच पे आ गए और इस मंच पे जुड़ गए। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं एक एक्स आर्मी हूँ, लगभग 3 से 4 साल हो गए मुझे एक्स आर्मी से रिटायर हुए, आर्मी से रिटायर हुए। इससे पहले मैं लगभग -30 से +48 डिग्री तक में रह चुका हूँ और साथ में अभी मैं एक रेडीमेड गारमेंट शॉप में, अपना शॉप है और एक निधि कंपनी है, फाइनेंस है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। साथ में मेरा एक अपना ही बहुत बड़ा एनजीओ ग्रुप है, राधा कृष्ण निस्वार्थ सेवा समिति, जो गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए या उनके कपड़ों के लिए किसी भी तरीके से हर चीज से उनकी मदद करते हैं। और मैं जो हमारे ओन पैसिव के टीम चैंपियंस के सभी लीडर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा सिस्टम और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिससे जिनकी जो भी फाइनेंशियल समस्या है, जो बोलते हैं कि मेरा तो 10 लाख का कर्ज है, मेरा 15 लाख का कर्ज है, मैं कैसे होगा या मैं क्या करूंगा, इससे मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं उनको यही बताऊंगा कि डेफिनेटली आप पूरा भरोसा रखिए, आपका 100% आने वाले समय में एक जरा सा बूंद भी कोई तकलीफ नहीं होगा। आपका लाइफ स्टाइल ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा पुराना हिस्ट्री क्या था और मैं क्या चीज हूँ। और सबसे बड़ा मैं उन गो फाउंडर को देना चाहता हूँ जो एक सिंगल पर्सन है जो इसमें जुड़ गए हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो जुड़ गया, मैंने कोई टीम नहीं बनाई, मेरा इनकम क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो इस डाउट को हमेशा से हटा दे कि उनकी इनकम क्या होगी, उनकी इनकम इतनी होगी जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, पहुंचा नहीं है, सोच से परे बेस्ट से बेस्ट इनकम होगा। चाहे वो सिंगल पर्सन है, अगर सिंगल पर्सन भी जुड़ गया है तो समझ लो उसका जीतना 100% पक्का है, आने वाले लाइफ में उसका कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में कई गो फाउंडर ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सर मैं जुड़ा, मैं 3 महीने हो गया, मैंने इन लोगों को बताया लेकिन वो मुझे बोलते हैं ये फेक है, तेरा पैसा चला जाएगा, तेरा कंपनी लेके भाग जाएगा, तू पागल है, तू ये है, अनाप शनाप दुनिया भर के उसको बताते हैं कि उसको डिमोटलाइज कर देते हैं, उसको पागल समझ देते हैं। मैं बोलता हूँ गुड, मैं तो ये सोचता कि मुझे ऐसे डेली 10 से 20 लोग मिले, नेगेटिव लोग मिले कि मुझे बोले कि यार तू कहाँ फंस गया है, कहाँ फंस गया। मैं बोलूंगा गुड, मैं फंसा हूँ,
आने वाले टाइम में अगर 2 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद जब वो मिलेंगे, लगभग वो नेगेटिव लोगों की संख्या 1,000 से 5-10 हजार हो जाएगी। जब मेरा आने वाले टाइम में मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी आंखें नजरें मिलेगी नहीं, हमेशा झुकी रहेंगी, और जब वो मेरे पास मदद लेने आएंगे मैं उनकी मदद करूंगा तो उनके सामने मेरा सीना और बड़ा हो जाएगा। वो बोलेंगे यार थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने तो तुझे बुरा बोला था, ये बोला था पागल है ये है, फिर भी तुमने मेरा मदद किया, सॉरी बोलेंगे, और उस टाइम में आपका आपका सीना बोलते ना 56 इंच, 56 इंच नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा 112 इंच वाला बढ़ जाएगा। वाह और बहुत बढ़िया। कोई भी गो फाउंडर अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लेके चले, पॉजिटिव लेके चले, पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। क्योंकि एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2007 का था, मैं मणिपुर वाले जंगल में था, तब हमारे साथ में टीम लगभग 20 जनों की थी, मैं पीछे बैक में था। तो हम रात को 11 बजे से चलना शुरू किया था, मॉर्निंग 4 बजे हुए थे, कई पहाड़ी जंगल हम क्रॉस कर रहे थे। तो एक आदमी इतना डल हो गया था कि वो चल नहीं पा रहा था, साथ में मेरे पास भी लगभग 20 से 22 केजी के सामान और आर्म्स और थे, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि चल चल भाई, कुछ भी करो, जैसे भी करो, चलो, कुछ नहीं होगा, चलते रहेंगे, हम अपनी जगह में पहुंच जाएंगे। तो बाद में इतना डल हो गया कि वो अपना हथियार भी नहीं उठा पाया, फिर भी मैंने अपना उसका हथियार लिया, उसका एक बैग, उसके भी राशन और भरा था, वो भी मैंने कंधे में उठाया। धीरे 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 हम चलते गए, और लगभग जो हमारे आगे की टोली थी वो बहुत आगे निकल चुकी थी, बहुत अंधेरा हो रहा था, सुबह के लगभग 3:30-4 बज रहे थे, फिर भी हमें हिम्मत नहीं आ रही, हम चलते गए चलते गए। तो लास्ट में लगभग 8-8:30 बजे हम अपनी जगह में पहुंच गए। तब उसने बोला थैंक यू यार, आपने हिम्मत दिलाई मुझे और मुझे खींच के ले गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव समझो और आगे बढ़ो, तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और ये हमारा ओन पैसिव जो है, किसी भी गो फाउंडर या एक नॉर्मल यूजर को भी अच्छे से अच्छा इनकम देगा ही देगा। किसी के लिए ये नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा। अब आप ये सोच लो कि आपके पास 50 से ऊपर प्रोडक्ट है, अगर एक ही प्रोडक्ट हमारा बिलियन है, बिलियन मिलियन से ऊपर इतना बड़ा है, तो 50 प्रोडक्ट जब मार्केट में यूज होंगे तब उसको इंटू करके देख लो, 50 प्रोडक्ट से ज्यादा जब इंटू हो जाएगा तो आप ये संभाल नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ से इनकम कैसे आ रहा है। एक वो समय होता है कि जब हम ऊपर आसमान में देखते कि बारिश कब होगी, थोड़ी सी बारिश होती है और वो रुक जाती है। अब ऐसे ही अब जब ओन पैसिव आएगा तब हम बोलेंगे अरे यार बारिश कहाँ से हो रही है, पैसे की कहाँ से हो रही है, इतना तेज अंधुन पानी आएगा, मूसलाधार बारिश आएगी पैसों की, आप बोलोगे यार खिड़की भी बंद करो, इधर भी बंद करो, कहाँ रखूं मैं पैसा। रियली होने वाला है, और सभी को बेस्ट से बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और कई लोग बोलते हैं कि हमारा ये पैकेज क्यों नहीं बता रहे हैं, और बोलते हैं कि सिस्टम में इतना क्यों है, कब लॉन्च हो रहा है, क्यों लॉन्च हो रहा है। एक सिंपली सा मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं अपना खुद का अपना मैं बिजनेस किसी को बना रहा हूँ, उस बिजनेस के लिए 1 साल से 2 साल में उसमें मेहनत कर रहा हूँ, इधर से डॉक्यूमेंट उधर से डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूँ, नहीं आ रही। विजय जी, कौशिक भाई आवाज, कौशिक जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो शायद म्यूट हो गए, मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। विजय जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, जरा देखिए आप। हेलो सर। विजय, हाँ जी, आवाज जरा म्यूट हो गई थी। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी सर। अच्छा, मैं और एक सिंपली मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा सभी गो फाउंडर को बोलूंगा,
कि आने वाले टाइम में हमारा लाइफ स्टार्ट 100% चेंज होगा, और ऐसा चेंज होगा कि सभी देखेंगे, सभी देखेंगे। तो उनके लिए संदेश है, उनके लिए संदेश है कि आपने आपके जितने भी फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसमें भी आपके फ्रेंड्स हो रहे, उनके हर के कानों में जाना चाहिए कि ऑन पैसिव आ रहा है, आया है, उसमें जुड़ जाइए, ज्वाइन कीजिए, गो फाउंडर बन जाइए। चाहे आपके चाचा, ताऊ, भतीजा, चाहे आपके बच्चे, कोई भी हो, रिश्तेदार, ए टू जेड फ्रेंड हो, गांव के हो, कोई भी आपका टकरता है, कोई भी रास्ते में मिलता है, तो उसको छोड़िए मत, उसको गो फाउंडर के बारे में बताइए, ऑन पैसिव के बारे में बताइए, क्योंकि बाद में ये ना बोलें कि आपका लाइफस्टाइल इतना चेंज कैसे हो गया, आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया। तो आपके आपके पास वो बात कहने के लिए रहे कि कोई उंगली ना उठाए आपके ऊपर कि तुमने हमें उस टाइम क्यों नहीं बताया, हम भी जुड़ते, चाहे हम 10,000 रुपए लोन लेते, चाहे जैसे भी करते, हम ऑन पैसे में जुड़ते, आपने उस टाइम हमको क्यों नहीं बताया। ये बात कहने के से पहले ही उनका मुंह बंद होना चाहिए। आप सभी के कान में डाले, सभी के कान में डाले, जो भी मिलता है, चाहे रिक्शा वाला मिले, अपना दोस्त मिले, ऑफिस में मिले, ट्रेन में सफर करते हुए, बस में मिले, कहीं भी मिले, आप हमेशा सभी को बता दीजिए कि ऑन पैसिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आने वाले टाइम में आप भी जुड़ोगे, सभी जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे, और ये आपको एक बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है, आप इसको प्लीज ज्वाइन कीजिए, प्लीज ज्वाइन कीजिए। चाहे वो बोलते हैं कान पकड़ के लाओ, हाथ जोड़ के लाओ, चाहे माफी मांग के लाओ, जैसे भी लाओ, सभी को बताना कि ऑन पे अगर आप 2 साल से किसी बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हो, बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए कितने डॉक्यूमेंट आप कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर रहे हो, कहाँ से उसके सामान और पुर्जे लेके आ रहे हो, जगह बना रहे हो, तो अगर आपके पास 2 साल की मेहनत में आपका बिजनेस चालू होने से पहले ही कोई आपके पास आ जाता है, वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तब अगर आपने उसको बता दिया कि हाँ मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ, तो वो पूछेगा डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज है, कैसा है, आप उसको बता दोगे, वो 1 महीने में वो सब चीज कर लेगा। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो सबको हम लोग मिलकर दिवाली की शुभकामना देते हैं। उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल बिल्कुल। दीपम जी आप प्लीज वेबिनार को। ओके, थैंक यू वेरी मच विजय जी, और सबसे पहले हमारी सारी टीम की ओर से, एज ए एक्स मिलिट्री मैन, हमारी सारी टीम की ओर से आपको मैं सैल्यूट करता हूं। और दूसरा, आपने जो बहुत अच्छे तरीके से ऑन पेसिव के बारे में लोगों को बताया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप ऑन पेसिव में है इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। इसके अलावा जितने भी नए लोग आए हैं उनको मैं परामर्श देता हूं कि आप लोग जब अगली बार इस वेबिनार में आए तो एज ए फाउंडर आए, और जैसे कि अभी सभी लोगों ने बताए हैं, तो अब इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि आज का ये वेबिनार यहाँ समाप्त होता है, और वी आर हियर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट। Yes, and happy Diwali. Happy Diwali to everybody. Happy Diwali. Happy Diwali to everyone. God bless. Bye-bye. Happy Diwali. Good night. Good night.
बाय।